आमदन से ज़ायद असासाजात का केस है शहबाज शरीफ के खिलाफ। एक और केस की तैयारी शुरू। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ। जबकि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। पंजाब हुकूमत का कायमा कमेटी के अराकीन की तादाद बढ़ाने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस्तेहकाक कमेटी के अराकीन की तादाद 14 से 17 करने पर गौर। दीगर कायमा कमेटी के अराकीन की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने का फैसला। मुजवजा तरामीम असेंबली के कल होने वाले इजलास के एजेंडे पर मौजूद। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ्त। प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियार की तरमीम कल असेंबली में पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का मामला। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुजाकरात का एक और दौर तय। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटी के मामले पर बुध के रोज बैठक लगाएगी। हमजा शहबाज को भी एसी के चेयरमैनशिप देने का मामला जेर गौर आएगा। इंसाफी मेंबरान असेंबली भी लीगी एमपीएस के नक्शे कदम पर। हल्के में तरक्याती काम करवाने के लिए हुकूमती एमपीएस ने तरक्याती इदारों से मदद मांग ली। पीपी 170 से रुकन असेंबली चौधरी अमीन का तरक्याती काम के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को खत। वज़ीर आला ने 6 तरक्याती स्कीमों की फिजिबिलिटी के लिए एलटीए को टास्क सौंप दिया। दूध में मिलावट, सेहतमंद पंजाब के हसूल में रुकावट। फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। 14,915 लीटर केमिकल ज़्यादा दूध तल्स। लाहौर जोन में 769 गाड़ियों की चेकिंग। दूर दराज इलाकों से जाली दूध तैयार करके शहरों में सप्लाई किया जाता था। फूड अथॉरिटी। पीएमएस एसोसिएशन का सालाना इंतखाब। पोलिंग का अमल जारी। तुरंत एंट्री कंसिलिएशन और प्रोग्रेसिव पैनल ग्रुप मद मुकाबल। सदर के अहदे के लिए नवीद शहजाद और सैयद जफर हुसैन आमने सामने। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मिशन क्लीन लाहौर फेज 2। बादामी बाग, सब्जी मंडी, मुल्तान रोड और काना काचा मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्तान रोड मंडी से 4 केनाल सरकारी अराजी व गजार। बादामी बाग मंडी की राहदारियों से 100 थड़े और 10 खोखे मिसमार। कहना मंडी में दौरान ऑपरेशन 100 थड़े और 200 खोखे गिरा दिए गए। सिंहपुरा मंडी और रावण सब्जी मंडी में ऑपरेशन आइंदा 2 से 3 रोज में किए जाने का इम्कान। इंतजामिया बेबस, एलपीजी की ब्लैक में फरोख जारी है। शहरी महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर। गैस प्रेशर मध्यम होने से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत गैस की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। गैस की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोटलखपत में कच्चा जेल रोड पर बड़े पैमाने पर गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पर लाहौर में माहौलियाती आलूदगी की शिकायत के अंबार। सबसे ज्यादा शिमाली लाहौर में फजाई और सनती आलूदगी की शिकायत का इंदराज। आईटी यूनिवर्सिटी के जरिए तमाम अलहमरा हॉल में थिंक फेस्टिवल का दूसरा रोज। मुल्की और गैर मुल्की मोटिवेशनल स्पीकर्स की शिरकत। वफाकी वज़ीरे इत्तला'आत फवाद चौधरी भी शिरकत करेंगे। फेस्टिवल में किताबों के मुताबिक स्टॉल्स भी लगाए गए। दाव पेच और फुर्ती का है इम्तिहान। पाकिस्तान और भारत के पहलवानों में जोर का जोड़। 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल आज 3 बजे पंजाब स्टेडियम में खेला जाएगा। शायकीन का रवायती हरीफों के दरमियान मैच का शिद्दत से इंतजार। ढोलची खिलाड़ियों का लहू गरमाने में मगन। सलामतपुरा में मार्शल आर्ट सेंटर में जोडो कराटे के मुकाबले। नन्हे मुन्ने बच्चों ने जोडो कराटे में अपनी महारतों को दिखाया।